हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को बीटेक सेकंड का एक चैप्टर करा रहा हूँ, जहाँ पर उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसका सेकंड लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो बच्चों, जिससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, तो इसी लेक्चर में आप लोगों को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है। तो जहाँ पर बच्चों आपके पास ये इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर वो क्या कह रहा है कि इसका इंटीग्रल करो अलोंग द वाई स्क्वायर बराबर एक्स, along y बराबर एक्स स्क्वायर और along y बराबर एक्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, a पार्ट लेंगे, जहां पर वो आपको क्या कह रहा है, along y स्क्वायर बराबर एक्स कह रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग लेंगे जहां पर वो क्या कह रहा है, along y स्क्वायर बराबर एक्स। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाय डी एक्स। ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जिसके कारण जो डिवाइड में था वो इतना डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे देख लीजिए, यानी मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे करूँगा 2y dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यही चीज़ आप लोगों की यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx अपॉन 2y, ये मल्टीप्लाई मेरा चला गया y में। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, 2 एज इट इज़, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y बराबर अंडर रूट x। तो मैंने वो वाली वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दी। अब ऐसा क्यों किया, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन को a की फॉर्म में बनाना है, या तो आप x की फॉर्म में बनाएं या आप लोग इसको y की फॉर्म में बनाएं। ठीक है, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को x की फॉर्म में बना लिया। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है 0, 0, 1, 1, तो यानी x के लिए लिमिट क्या होगी, 0 से 1 होगी, और मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ 3x² + 4x। y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा आप लोगों के लिए, रूट एक्स। ठीक है, फिर 3 एज इट इज़, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, और dx ऐसा का ऐसा। अब 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 3 एज इट इज़, x एज इट इज़, y की जगह कितनी हो जाएगी, रूट एक्स, प्लस 4 एज इट इज़, y की जगह कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और dy की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, dy की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई कितनी आई, dx अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, यानी हमने पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में बना लिया, x की फॉर्म में बना लिया। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर एज इट इज़, 4x की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि 1 एरी और आधी एरी, तो 3/2, फिर प्लस 3x एज इट इज़। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2x² + 6x³ + 8x। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास, 2√x, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, और लिमिट 0 से 1। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 0 से 1 लिमिट 3x² + 4x³ + 3x + इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स की पावर 2 अपॉन √x रह जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन √x रह जाएगा। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रह जाएगा, एक्स की पावर एक्स अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पर dx। ठीक है, तो आई होप आपको इतना यहाँ पर समझ में आ गया हो। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 3x² + 4x³/2 3x इतना यहाँ पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, फिर इससे ऊपर ले जाएंगे पावर को तो 2 में से आधा जाएगा तो कितना रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, यानी x की पावर 3/2 रह जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 एज इट इज़, 3/2 में से आप हाफ माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 3/2 - ½, तो कितना हो जाएगा, 2/2, यानी 1 रह जाएगा। ठीक है, फिर 4, एक्स की पावर 1 में से आधा जाएगा तो 1/2 रह जाएगा, और dx। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो 3x³/3, यानी 2 में 1 प्लस कर दिया, फिर 4x² / 5/2 / 5/2, फिर 3x² / 2/2, ठीक है, फिर प्लस एक्स
एक्स की पावर 5/2, 5/2, फिर प्लस 3 एक्स की पावर 2/2, फिर 4 एक्स की पावर 3/2, 3/2 और लिमिट 0 से 1। क्लियर है बच्चों? अब आप जब अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखते ही आपका कितना बनेगा, एक्स की जगह पर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3 और 1 का क्यूब 1। फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 और 5 एक्स की वैल्यू यानी 1 हो जाएगी, उसका पावर 5/2 तो 1। फिर 3/2 एक्स की जगह पर 1, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 2/5 एक्स की जगह पर 1, 3/2 एक्स की जगह पर 1, ये ऊपर चला जाएगा तो 8/3 एक्स की जगह पर 1, तो ये, और फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो आपके पास कितना बन गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया आपके पास 8/5, 3/2, 3/2 यानी 6/2, फिर 2/5 8/3, ठीक है, तो 1 8/5 2/5 यानी 10/5 और 6/2 यानी 3 8/3, तो कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 8/5। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 26/3 इतना आंसर आ गया। तो आई होप आपको पहला पार्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का समझ में आ गया हो। सिर्फ इंट्रीगल करना है, इंट्रीगल करने के बाद अपने को वैल्यू रखनी है, कर लेंगे आप लोग। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस बार वाई बराबर एक्स स्क्वायर करना है। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, अलोंग वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर को लेकर आपको काम करना है। तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, dy/dx 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy/2x dx, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैं फिर से पूरा क्वेश्चन लिखूँगा, यानी अब पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, मान लोगों का x में चेंज हो जाएगा, तो लिमिट भी क्या होगी, 0 से 1 होगी। तो क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के पास, जो अभी लिखा हुआ था ऊपर, 3x²(4xy + 3y²dx + 2x²(3xy + 4y²dy), ये मैंने पूरा फिर से क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों के लिए। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 से 1, 3x² एज इट इज़, 4x एज इट इज़, y की जगह पर x² रख देंगे, 3 y की जगह पर x² और उसका स्क्वायर, dx एज इट इज़, 2x² प्लस 6xy की जगह पर x², फिर 8y की जगह पर x² और उसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये चीज़, और फिर dy की जगह पर क्या जाएगा, 2x dx। तो इतनी बात मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी। अब आप क्या करेंगे, 0 से 1 इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 3x² 4x³, 3x⁴ और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x⁴, क्योंकि 2 एरी, ठीक है, और 1 एरी, क्लियर है। फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 एरी और 1 बाहर है, 5 dx। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो 3x²/3, ठीक है, इसका इंटीग्रल करेंगे हम लोग तो 3x²/3 आ जाएगा। अब 4x³ का इंटीग्रल करेंगे तो 4x⁴/4, 3x⁵/5, 4x⁴/4, 12x⁵/5, 16x⁶ और लिमिट 0 से 1। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे हम लोग, तो अपर लिमिट x की जगह पर 1 आ जाएगा तो 3/3 और x की वैल्यू 1, फिर 4/4 x की जगह पर 1, 3/5 x की जगह पर 1, 4/4 x की जगह पर 1, 12/5 x की जगह पर 1, 16/6 x की जगह पर 1 और 0 रख दोगे तो सारा आंसर 0। तो ये कट जाएगा 1, फिर ये कट जाएगा 1, 3/5 ये कट जाएगा 1, फिर 12/5 और ये कट जाएगा 2 से 8/3, क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ आ गई। अब कितना हो गया, 1 1 1, तो 3 3/5 12/5
एट बाई थ्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो कितना आंसर आएगा आप लोगों के पास? थ्री एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो 15 बाई फाइव, एट बाई थ्री। तो यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास? ये हो गया, इससे कट गया थ्री, तो थ्री प्लस थ्री, एट बाय थ्री, तो कितना आ गया फिर से? 26 बाय थ्री। तो इस तरीके से ये आंसर हमारे पास। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया। तो बच्चों आप लोग अब क्या करेंगे, अपने पास से y बराबर x का डिफ्रेंशिएशन कर इसमें वैल्यू रखकर x की फॉर्म में बनाएंगे और इसी तरीके से इंट्रीगल करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर एक होमवर्क है, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके को न्यूमेरिकल को करके देखें और ये वाला होमवर्क करके देखें, ठीक है बच्चों? तो अगर आपका इसका आंसर आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका इसका आंसर कितना आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।